शहर में शारदीय नवरात्र की समाप्ति के पश्चात बुधवार से दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान शहर के विभिन्न गली मोहल्लों तथा समारोह स्थलों पर चल रहा गरबा रास की धूम भी थम गई। गरबा स्थलों पर स्थापित माता जी की प्रतिमाओं को विसर्जित करने के दौरान बुधवार को दिन भर शहर में जय माता दी के जयकारों से वातावरण गूंजता रहा। इसी क्रम में श्री दुर्गा पूजा महोत्सव समिति की ओर से अजमेर रोड स्थित अमरकुंज समारोह स्थल पर स्थापित दुर्गा माँ की प्रतिमा को विसर्जित किए जाने से पूर्व शहर में विसर्जन यात्रा निकाली गई। अमरकुंज से प्रारंभ हुई विसर्जन यात्रा सातपुलिया रोडवेज बस स्टैंड स्टेट बैंक अजमेरी गेट पाशबत्ती एकता सर्किल से तैयार चौक होते हुए मसौदा रोड से मकेड़ा तालाब पर पहुंची, जहां पर मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। विसर्जन यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल श्री दुर्गा पूजा महोत्सव समिति के सदस्यों महिलाओं तथा युवक युवतियों ने भाग लिया। विसर्जन यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालु ढोल धमाकों की थाप पर नृत्य करते हुए जय माता दी के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। विसर्जन यात्रा में पूर्व दुर्गा पूजा पंडाल में महिलाओं ने विजयादशमी पर्व मनाया, मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित कर सिंदूर खेला की रस्म निभाई। इस मौके पर सभी सुहागन महिलाओं ने एक दूसरे को सुहाग का प्रतीक सिंदूर लगाया। यह खास उत्सव माँ की विदाई पर मनाया जाता है। दशहरा माँ दुर्गा की विदाई होती है और इस उपलक्ष्य में सुहागिन महिलाएं उन्हें सिंदूर अर्पित कर आशीर्वाद लेती है। महिलाएं सिंदूर खेला के दिन पान के पत्तों से मां दुर्गा के गालों को स्पर्श कर उनकी मांग और माथे पर सिंदूर लगाकर अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती है। इससे पूर्व मंगलवार रात्रि को अमरकुंज में ढोल नगाड़ों के साथ आरती उतारी गई। महाआरती में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्री दुर्गा पूजा महोत्सव का ये 24वां वर्ष है। हम 9 दिन माता जी की पूजा अर्चना आरती गरबा द्वारा प्रस्तुति और सजीव झांकियां विभिन्न तरह के कार्यक्रम जो है पिछले 9 दिनों में करते आ रहे हैं। आज बड़े ही भावपूर्ण जो है माता जी को विदाई देने का दिन है। दशहरे के दिन जैसे कि परंपरा चली आ रही है कि विसर्जन तो करना ही पड़ता है, विदाई तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि साल भर जो है ये संभव नहीं है कि इतनी बड़ी रूप से हम उसकी पूजा कर सकें, पूजा अर्चना कर सकें, सारी चीज़ कार्यक्रम कर सकें। इसलिए जैसे गणेश चतुर्थी का मेला होता है, दूसरे भी जो होता है, विदाई का एक दिन होता है लास्ट दिन जो है, तो हमको सबको भावपूर्वक अपने मन को अंदर से जो है दुखी मन से जो है उनको विदाई करते हैं। हम सब ने मिलकर यहाँ पे 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की है। हमारा दुर्गा पूजा परिवार जो एक बहुत बड़ा है, हम 24 साल से यहाँ पे माँ की आराधना करते हैं। हमारा महिला मंडल आज वैसे 9 दिन हमने पूरी ये देखो महाआरती की, महानवमी का भव किया और हमारी एक गरबा द्वारा हमने प्रस्तुति दी महिलाओं ने, और एक हमारा महिला मंडल का पूरा अच्छा डांस हुआ। मतलब माँ को रिझाने की हर कोशिश की है। और आज है दशहरा। दशहरे के दिन हम माँ की विदाई कर रहे हैं, जिसमें हमने माँ को अखंड सुहाग का प्रतीक होता है सिंदूर, जो माँ को हमने चढ़ाया है, वो सिंदूर चढ़ा के हम सिंदूर खेला, जो कलकत्ता बंगाल की परंपरा है, हम कलकत्ता से हैं, उसी परंपरा को लेके हम यहाँ पे आए हैं और उसी परंपरा के अनुसार हम सब महिलाओं ने मिलके, आप देखिए सबके मुँह देखो कैसे लाल लाल हो रखे, सब लाल गुलाबी माँ के सिंदूर में रंगी पड़ी है, हमने ये सिंदूर खेला। हाथों में सोने के कंगन और गले में हीरो का हार, कृष्णा ज्वेल्स का लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन त्योहारों में करे आपका सच्चा श्रृंगार। 3 से 5 अक्टूबर तक ग्रैंड एग्जीबिशन एंड ज्वेलरी पर स्पेशल ऑफर्स एंड अशॉर्ट गिफ्ट्स के लिए विजिट कृष्णा ज्वेल्स, होटल राजमहल प्रीमाइसेस ब्यावर, TNC अप्लाई। हाथों में सोने के कंगन और गले में हीरो का हार, कृष्णा ज्वेल्स का लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन त्योहारों में करे आपका सच्चा श्रृंगार। 3 से 5 अक्टूबर तक ग्रैंड एग्जीबिशन एंड ज्वेलरी पर स्पेशल ऑफर्स एंड अशॉर्ट गिफ्ट्स के लिए विजिट कृष्णा ज्वेल्स, होटल राजमहल प्रीमाइसेस ब्यावर, TNC अप्लाई।